अब बताया ना, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचों नार पच्चीसों लड़के धुंधों धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल। वो पांचों अड़ंगे भीतर भरे पड़े तुम्हारे, वो तुमने कैसे मोक्ष सुन देंगे? अब क्या करवा दिया, उल्टा मुंह कर लिया नानकी बजाए और लठम लट्ठा। वैष्णो साधु और वो नागा, और फिर तो वो विघ्न हो गया। वहां पर कहते हैं 25,000 लगभग 25,000 व्यक्ति वह संत वहां थे, नागा और वैष्णो आपस में कतलेआम कर दिया वहां पर। नाना नूना और भगवान तो गया बाढ़ में। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी कवे, परमात्मा का प्यार भी भूल गए हैं। और काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, काटे शीश दया भी कोई ना, अरे वो संत कमावे हैं, वो साधु कहलाते हैं। और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे व्यक्तियों को संत मान कर, साधु मानकर, और जो भोली आत्मा इनके पास जाते हैं, इनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी यही दशा करते हैं, उनको भी नरक भेजते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पी हुए बकरे काट तड़ावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं। और सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे झावे हैं। तिरहक जो भैया कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लावनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चल रहे, गंगा का पानी जल, नंगे पैरां बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर, ज़्यादातर पैदल ज़्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है, भगवान वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं, एक कोड वर्ड होता है। जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जाकत ही नहीं देखे, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहाँ से लेकर सावन के महीने में, इस सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफ़र करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैर तले मरे हैं वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल ले काम है, वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम, अब उन कोई नो कहनी है बम बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे ये बोली चल आगे, इन नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे और बेबेर ने बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब इस -0 से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा।
ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु में टेलू जाण्या। ये दस नामी दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं और पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। कहते हैं ये दस नामी लाल कपड़े पहन के संत बने फिरे हैं और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं। ये यो सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालजय, और ये खुद कहते हैं देवी भागवत के तीसरे स्कंद में कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। ये चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी कहते ये कूड़े बेख काल का बाणा, ये झूठी साधना करने वाले काल के पुजारी हैं ये, और संतों देख रिसावे हैं। संतों के बारे में जिक्र चल जाए तो दूना दुख मानने हैं, रखो के ले रहे नारायण। परमात्मा कहते हैं ठारा अक्षौणी अक्षय करी चुन कर शिशुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के वेख। ओ तेरा हे परमात्मा कितना निर्मल ज्ञान दिया है। कहते एक चुनक नाम के ऋषि थे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की उपासना के बारे में बता दी कि वही साधना करते वही से आदमी है, और फिर कहें कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी चार प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से वो तीन रिजेक्टेड हैं। ये ज्ञानी जो है ये अच्छी आत्मा है, इनको पता लग गया मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाकर जब सत्साधना नहीं की तो व्यर्थ है, और केवल एक अन्य उपासना नहीं करनी किसी देवी देवता या व्रत तीर्थ की, केवल एक भगवान की भक्ति करनी है पूर्ण परमात्मा की, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो उनको ये पता लग गया, दृढ़ विश्वास हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है, तो उनको ये तो ज्ञान हो गया। फिर वेदों से स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप और हठ योग ये ही इसका साधन है, जबकि ये ब्रह्म तक काल तक की पूजा थी। तो एक चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां आ गई। एक मानदाता राजा था, उसके साथ अटपट कर ली, युद्ध कर लिया, और मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। पूरी पृथ्वी पर अपने संदेश वाहक भेज कर ये जानकारी प्राप्त की थी कि भी कोई मेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता, यदि कोई मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करता उसने युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर सब जगह घुड़सवार जा रहे थे, आए वापस। चुनक ऋषि ने पूछा भी कहाँ गए थे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। इस एक घोड़ा था वो खाली था बगैर सवारी के, उसके गले में कुछ लिखा हुआ था। तो ऋषि ने पूछा भी ये घोड़ा खाली क्यों छोड़ रखा है, इस पर कोई बैठा क्यों नहीं। तो राजा के सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में ऐसे लिखा हुआ है। हम पूरी पृथ्वी पर घूमे आए, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, सभी उनसे डरते हैं। टुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने भी उनका युद्ध नहीं ओटा। नहीं, कौन ओटे, पता है हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जाड़ फोड़ देंगे। अब ऋषि ने सोची भाई अभिमान हो गया, ये काल प्रेरणा है, ये राजा को सबक सिखाना चाहिए। चुनक ऋषि बोला भाई मन ने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया, और वह सैनिक बोले रे कंगाल तेरे दाने खाण दे नहीं, अरे तुम युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है, अपना कर ले भक्ति बोल वाला। चुनक ऋषि कहने लगा भाई मेरे बाग में नहीं लिख रखी होगी, मैंने तो कह दो और बांध दे घोड़े निया मेरे साथ, क्यों घोड़ा जो पकड़ दे उसने उस एक ये था जिसने वो घोड़ा पकड़ना पड़ता था। तेरे से बोला मैंने पकड़ लिया तेरे राजा का घोड़ा था,
कह देते राजा ने। उन्होंने जाकर राजा को बता दी। राजा ने सोची आज एक आदमी ने बकवाद करी है, तड़का दूसरा करेगा, सिर उठावेंगे। एक राजनीति होती है चाणक्य नीति। तो राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बनाए, एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ 18 अक्षौणी। और उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डलेड हुए थे उनकी 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियां पुतली बना दी। एक पुतली छोड़ दी उसने 18 करोड़ सेना को, उन्हें कत्लेआम कर दिया सेकंडों में मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी वो एटम बम। कहने का भाव ये है 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस ऋषि ने, इस काल के पुजारी ने। 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। किसा निर्णय दिया गरीबदास साहिब जी ने, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को कैसे निर्णायक तरीके से बताया है कि ये काल की साधना करने वाले ये नाना प्रकार के ग्रुप भेख, ये सभी काल के भेख हैं। और दे धारे मौत फिर है, जोरा माने मौत, दिख है ऋषि और भर रहा को बदे, दे धारे मौत फिर है, ये सभी काल के भेख है। अपना आत्मा इसी प्रकार दुर्वासा जी के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युमन और कुछ एक यादों ने आके मजाक कर दिया था, एक लड़के का लड़की का गर्भ का समांग कर लिया है, कढ़ाया बांध के ऊपर का गुदड़े बांध के, और मजाक कर दिया दुर्वासा के साथ कि भाई यूं कहें दुर्वासा बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सारी बता देगा इसके पेट में के है। इन्हों पूछा जाके कि महाराज जी इनका गणे दिन में ताज सूत दया करी है परमात्मा ने, शादी के 10-15 साल पाछे इनको गर्भ रहा, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे गर्भ में बेटा है क्या बेटी। दुर्वासा ने देखा ये तो बकवाद कर रहे हैं अपना ध्यान से, तो न बोले इस तक के उत्पन्न होगा। दुर्वासा ने शराब दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस तक, बाजौड़ मारूंगा लठ। अब वो भागे उससे, उस श्राप दे दिया उस कढ़ाए से, उसको श्री कृष्ण के बताए अनुसार उस कढ़ाई को लोहे की कढ़ाई को चूरा करके जमुना में भी डाल दिया, उसके पठेरा उग गया, घास उग गया सरकंडे से। अंत में यादव उसी सरकंडों से कट के आपस में मर गया, तलवार का काम करने लग गया। तो गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमेश्वर के ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं, दुर्वासा को पेतः, कोपे माने कुपित हुए क्रोधित हुए, दुर्वासा को पेतहा समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे वा मची रुधिर की कीच। रुधिर माने खून की कीचड़ माच गया, 56 करोड़ यादव ऋषि दुर्वासा के श्राप देने से आपस में लड़के कतलेआम कर डाला। कहते हैं दुर्वासा को पेतहा समझने आई नीच, एक बालका ने मजाक किया था और इतना जुलम कर दिया, ऐसा श्राप दिया करे। कहते हैं दे धारे जोरा फिरा ये सभी काल के भेख, और इन मैं ऋषि कहे थे। बोलो सतगुरुदेव, परम पिता परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से अपने को ये सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है, पूर्ण मोक्ष कराना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने इस मनुष्य जीवन के कर्म को, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और ये क्रियाएं उन पशुओं जैसी ही मान रखी थी जो पशु पक्षी सभी